कि गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर और लवाहिकीन में झगड़े पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज आज दूसरे रोज़ भी जारी। यंग डॉक्टर्स ने PIC की OPD बंद कर दी। OPD बंद होने से दिल के मरीजों को परेशानी का सामना। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतलिक अफराद को गिरफ्तार ना किया गया तो एमरजेंसी को भी बंद कर देंगे। आपको आगाह करते चलें कि गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर और लवाहिकीन में झगड़ा हुआ था, जिस पर यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा। इसी पर तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात ही ये एक वाकया पेश आया था जिसपे यंग डॉक्टर्स और मरीज के लवाहिकीन के दरमियान झगड़ा हुआ था। और दो यंग डॉक्टर्स जो कि डॉक्टर शफीक और डॉक्टर मुश्तवा जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उसके मरीजों के लवाहिकीन ने डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया और खूब उनको जोरों को किया। इस हवाले से आज यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की OPD को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जब तक गुज़श्ता रात जो वाकया पेश हुआ उसमें जो लवाहिकीन ने डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया और गन के साथ उनको हरासा किया, जब तक उनको जो है वो गिरफ्तार करके उन पर FIR लॉन्च नहीं की जाएगी, तब तक जो है वो OPD जो है वो बंद रहेगी। OPD बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पंजाब का ये सबसे बड़ा दिल का हॉस्पिटल है जिसमें रोजाना तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग अफराद जो है वो अपने दिल के इलाज मौजे के हवाले से यहाँ पे आते हैं। तो आज यंग डॉक्टर्स की जानिब से PIC की OPD को बंद कर दिया गया है और ये मौकफ इख्तियार किया जा रहा है कि मुतलक अफराद को गिरफ्तार किया जाए, अगर गिरफ्तार ना किया गया तो एमरजेंसी को भी बंद कर दिया जाएगा। बिलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।